भाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, जोरू का भाई बन गया है अमेरिका के लिए भारत। भारत को नाराज नहीं कर सकता है और अगर जीतना है तो भारत को साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। यूएन में अमेरिका और भारत ने कौन सी साठगांठ कर ली और इस साठगांठ के लिए बड़ी बैठक भी हो गई। क्या यूएन में अमेरिका के साथ भारत के इस साठगांठ से रूस होगा खफा? तो वहीं दूसरी तरफ भारत के दोस्त इसराइल ने युद्ध का कर दिया है ऐलान। अब भारत बड़े वाले धर्म संकट में फंसा, क्या युद्ध में शामिल होगा? और अगर शामिल नहीं भी होता है तो भी भारत का बड़ा नुकसान होगा और यह नुकसान अरबों का होगा। तो वहीं दूसरी तरफ चीन के S-400 और रडार सिस्टम की तोड़ निकाल ली भारत ने। भारत ने अपने रहस्यमयी हथियार को कर दिया है सामने, जानेंगे क्या है ये। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने अपने बॉर्डर्स पर रोबोट स्नाइपर्स सुसाइड ड्रोन की पूरी फौज तैनात कर दी है। ये ड्रोन कई किलोमीटर तक दूर बैठे अपने लक्ष्य को पलक झपकते उड़ा सकते हैं। वहीं रोबोटिक स्नाइपर रात के अंधेरे में भी बॉर्डर के करीब घुसपैठ करने वालों को सबक सिखा सकते हैं। इन हथियारों को इजरायली बॉर्डर के कई इलाकों में तैनात कर दिया गया है। गाजा पट्टी से हमास के लड़ाके अक्सर विस्फोटकों से भरे बैलून को इजरायल की तरफ उड़ाते रहते हैं। यह रोबोटिक स्नाइपर ऐसे बैलूनों को पलक झपकते मार गिरा सकता है। हालांकि इन हथियारों की तैनाती को लेकर इजरायल को कई मानव अधिकार संगठनों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है और दुनिया यह प्रश्न कर रही है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है। वैसे आपको बता दे, हाल के कुछ साल में इजरायल ने ड्रोन और रोबोटिक टेक्नोलॉजी में इतना पैसा लगाया है जिसकी मदद से उसने कई ऐसे हथियार बना लिए हैं जो दुनिया में किसी और देश के पास नहीं है। इजरायल के हेरोप सुसाइड ड्रोन की बात हो या फिर रोबोट व्हील बैटलफील्ड रोबोट की बात हो या ऑटोमेटिक बॉर्डर कंट्रोल मशीन गन की, इसने इजरायल की सुरक्षा को जहां कई गुना बढ़ाया है तो अब इसकी तैनाती एक बड़ी खलबली मचा रही है। वैसे आपको बता दें, इजरायल की जब से स्थापना हुई है तब तक कई हमले झेल चुका है इजरायल, लेकिन अब कोई भी देश ऐसा नहीं है जो आक्रमण करने की सोचता हो, बल्कि उल्टा हो गया है। उल्टा ये हो गया है कि अब देश डरने लगे हैं कि कहीं इजरायल आक्रमण न कर दे। इजरायल ने गाजा सीमा पर कई टावरों पर ऑटोमेटिक रोबोट स्नाइपर गन को तैनात कर दिया है। ये मशीन गन अपने रेंज में आने वाले दुश्मन को पलक झपकते खत्म कर देती है, जो कि रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम पर आधारित है। इसमें लगे सेंसर ऑटोमेटिक अपने लक्ष्य को ढूंढ लेता है और दूर बैठा ऑपरेटर इस मशीन के जरिए सीमा पर घुसपैठियों को दिन या रात दोनों समय आसानी से शूट कर सकता है। लेकिन बात ये उठ रही है कि इजरायल ने आखिर इतनी बड़ी तैनाती क्यों शुरू कर दी है। दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को ईरान को अपने देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया है। साथ ही ये भी आरोप लगा दिया है कि उसने पिछले हफ्ते ओमान की खाड़ी में इजरायली स्वामित्व वाले एक मालवाहक जहाज पर हमला किया था। नेतन्याहू ने इजरायल के सार्वजनिक प्रसारक कान से बातचीत में कहा कि यह वास्तव में ईरान ने किया है और यह बिल्कुल साफ है। इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है और मैं इसे रोकने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। हम पूरे क्षेत्र में वार कर रहे हैं। वैसे शुक्रवार को ओमान की खाड़ी में इसराइल के इस जहाज में अचानक से विस्फोट हुआ था। रविवार को उसे मरम्मत के लिए दुबई के बंदरगाह लाया गया, लेकिन इसराइल के रक्षा मंत्री और सेना ने दोनों ने ये संकेत दे दिए हैं कि वे इस हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार मानते हैं और ईरान के ऊपर हमला कर सकते हैं। हालांकि अब तक ईरान की तरफ से इस घटना के बारे में कोई नया बयान नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर तय है कि जिस तरह की तैयारियों में इजरायल जुट गया है उसे देखकर ये लग रहा है कि अब ईरान पर इस तरह के हमले हो सकते हैं। लेकिन इस मामले में भारत बुरी तरीके से फंसेगा। उसकी दो वजह है, एक तो ये कि इजरायल भारत का साथ चाह सकता है, लेकिन ईरान के खिलाफ भारत का साथ होना थोड़ा मुश्किल है। रिश्ते ईरान के साथ भी अच्छे है, लेकिन फिर भी भारत का नुकसान होगा क्योंकि भारत ने ईरान में काफी बड़ी मात्रा में निवेश कर रखा है और इजराइल के हमले से ईरान अगर तबाह होता है तो भारत का निवेश भी डूबेगा। वैसे ये युद्ध बिल्कुल लग रहा है जैसे टलने वाला नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत की एक प्राइवेट फर्म ने चीन के S-400 और उसके रडार सिस्टम की तोड़ निकाल ली है। अब युद्ध क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि चीन के पीछे हटने के बाद भारत चुप
बैठा है, बल्कि भारत अपनी तैयारी उसी रफ्तार में रख रहा है जिस रफ्तार में चीन सीमा पर था, क्योंकि कभी भी पलटकर चीन वापस आ सकता है। ऐसे में भारत के इस हथियार का नाम है त्रिनेत्र, हालांकि इसे जेड के नाम से भी जाना जा रहा है। चीन की डिफेंस को तोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे भी लड़ाई में अगर दुश्मन के डिफेंस को तोड़ दिया तो फिर आधी लड़ाई तो ऐसे ही जीत गए। चीन के पास S-400 और उन्नत किस्म के रडार हैं, इसलिए उन्हें निशाना बनाना बेहद जरूरी है युद्ध के समय में। और सबसे बड़ी बात यह है कि वीपन जेड की वेट मात्र 8.5 kg का है। इसे छोटा बनाया गया है। इसकी रेंज 100 किलोमीटर की है, जो अपने साथ 1 kg का वारहेड ले जा सकता है। इसे जानबूझकर छोटा रखा गया है ताकि ये रडार को और डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सके। बड़े डिफेंस सिस्टम या रडार ज्यादातर केंद्रित होते हैं मिसाइलों के ऊपर, लेकिन जब इस तरह के छोटे हथियारों का हमला होता है तो वो चूक जाते हैं। ऐसे में ये हथियार सीधे जाकर सुसाइड कर लेते हैं और अपने लक्ष्य को उड़ा देते हैं। वैसे तो जिस तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी काफी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में इन हथियारों को बनाना बहुत ही सही है, और खासकर तब जब चीन जैसा दुश्मन हो तो और भी जरूरी हो जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भारत के अब प्राइवेट कंपनियां भी इस क्षेत्र में उतर रही हैं, जो कि किसी भी लंबे चलने वाले युद्ध के लिए बेहद जरूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ UN में भारत और अमेरिका के बीच हो रही है साठगांठ। वैसे आपको बता दे, अब तक UN में भारत का बिना किसी शर्त के साथ शर्त का साथ देता आया है रूस, और हाल फिलहाल में भी भारत और रूस के बीच एक समझौता हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि UNSC और UN में ऐसी कोई भी चीज होगी तो दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। और अब नया साथ मिल गया है भारत को अमेरिका का। ऐसे में आप समझ लीजिए कि UN में भारत कितना ताकतवर हो जाएगा। दरअसल भारत और अमेरिका के जो राजदूत हैं UN में, उन दोनों ने बैठक करी, भारत के TS त्रिमूर्ति और वहीं अमेरिका की लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने यह सुनिश्चित किया कि रणनीतिक रूप से भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। त्रिमूर्ति ने अपने ट्वीट में इस बात की जानकारी भी दी। अमेरिका ने ये जाहिर करा कि 2 साल के लिए जो नॉन परमानेंट मेंबर बना है भारत, वह अपने साथ एक मजबूत मैसेज लेकर आया है और जो नियमों पर चलेगा, शांति और सुरक्षा के विकास में मदद करेगा। वैसे अमेरिका ने जहां भारत के वैक्सीन नीति और हाल फिलहाल के कूटनीति का समर्थन करा, तो वहीं UN ने भी भारत के वैक्सीन डिप्लोमेसी की बहुत सराहना करी। पर सबसे अच्छी बात यह है कि अब भारत को अपने किसी भी प्रस्ताव में रूस और अमेरिका दोनों का साथ मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या UN में अब भारत परमानेंट मेंबर बन पाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।